Good morning, dear student. Today I am going to discuss one of the topic. My topic is coordination in animals. First of all, I like to discuss what is coordination. Actually, coordination is a process in which different organs of our body, different organ system of our body work together. जैसे कि आप देखते हैं हमारे शरीर में बहुत से organ हैं, बहुत से organ system हैं और सब एक साथ मिलकर काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दौड़ना चाहते हैं, सपोज हम दौड़ने के लिए स्टार्ट किए, सोचते दौड़ने के लिए दौड़ना स्टार्ट करते हैं और हमारा बॉडी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तेज बॉडी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, यानी कि पूरा ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जब किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे बॉडी का दो या दो से अधिक ऑर्गन एक साथ मिलकर किसी काम को परफॉर्म करता है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसी चीज़ को आज हम इस टॉपिक पर समझना चाहते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हमारा बॉडी जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, वो हमारा ब्रेन जो है पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है और ये अपना काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें दो तरह का कोऑर्डिनेशन है। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन रिपोर्टेड इन ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी आर्थ्रोपोडा, फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा टू क्लास मैमेलिया तक दोनों तरह का कोऑर्डिनेशन मिलता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जनरली हमारे नर्व सेल से बने होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जिसको कि जिसके द्वारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, देयर आर टू मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो उसके जरिए एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स एंड दे हार्मोन कंट्रोल्स ओवर आवर different organs, they coordinate between the two and more organs. So nervous coordination, first of all we talk about the nervous coordination in lower group of organisms, protozoa and porifera, they have no any kinds of nervous system, they have no any kinds of nerve organs, nerve cells, ये सब उसमें कुछ नहीं होता है। But from the sedentates, they have नर्व नेट्स, टू टाइप्स ऑफ नर्व सेल नर्व नेट्स आर प्रेजेंट इन सिलेंडर्स, वन इज एपिडर्मल नर्व नेट एंड अदर इज गैस्ट्रोडर्मल नर्व नेट, दे टुगेदर फ्यूज टू फॉर मेसोग्लिया, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। नाउ फ्लैट वॉल, दे हैव लैडर टाइप नर्व सेल नर्वस सिस्टम, that ladder type nervous system is called ganglion. Now anterior, they have circumpharyngeal nerve rings, they have circumpharyngeal nerve rings and यहाँ से anterior से जितने भी higher phylum और classes हैं सभी में nerve cells के जरिए ये nervous system बना हुआ है। This is the nerve cell, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है, नर्व सेल का बना हुआ है। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, नर्व सेल का फिगर, तो दिस इज अ नर्व सेल और इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन, न्यूरॉन। दे हैव टू डिस्टिंक्ट फीचर, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल, दिस मेन बॉडी इज कॉल्ड साइटोन और इज कॉल्ड सेल बॉडी और इट इज कॉल्ड सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सोन। The cell body have several finger-like projections. These projections are
प्रोसेस है इज कॉल्ड डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट। ये आगे चल करके ब्रांच काफी ब्रांच हो जाता है, ब्रांच फाइन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, दिस फाइन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। एंड ये लंबा नर्व फाइबर दिस इज आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर जिसको कि हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन का जो लोअर एंड है वो स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है, जिसको कि साइनेप्टिक लोब्स कहलाता है। दिस स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टिक लोब्स। कभी कभी दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय मेडुलरी सिल, और कभी किसी किसी में ये मेडुलरी सिल नहीं होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ परजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेडुलरी सिल दिस नर्व फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, वन इज मेडुलेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर समटाइम्स नर्व फाइबर इज कवर्ड विद अ सीथ, दैट सीथ इज कॉल्ड मेडुलरी मेडुलरी सिल। Sometimes it is not covered by medullary sheath. So on the basis of this presence and absence of medullary sheath, there are two types of nerve fiber. One is medullated nerve fiber, other is non-medullated nerve fiber. Medullated nerve fiber forms white matter. Medullated nerve fiber forms white matter of our brain and spinal cord, while non-medullated nerve fiber for gray matter of our brain and spinal cord. Medullated nerve fiber ka speed jo hai faster hota hai. Actually nerve cell ka function hai conduction of nerve impulse. तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन करता है, एक जगह से दूसरे जगह इंपल्स को पहुंचाता है, हम जो भी रिसीव करते हैं उसको पहुंचाता है। तो इसका मेडुलेटेड नर्व फाइबर का जो स्पीड है वो काफी फास्टर होता है, जबकि नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर का स्पीड स्लोअर होता है, धीमा होता है। और इसमें चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नोड है, देयर आर सम नोड्स आर प्रेजेंट हियर, दीज नोड्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रेन बियर, नोड ऑफ रेन बियर। जब मेडुलरी सीथ ही नहीं है तो इसमें नोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट है। हियर इज द नोड ऑफ रेनवियर इज एब्सेंट, क्योंकि मेडुलरी सीथ नहीं है इसी में नोड होता है तो ये एब्सेंट है। जबकि मेडुलेटेड नर्व सीथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नोड ऑफ रेनवियर है। साइनेप्टिक नोड्स क्योंकि यहाँ से ही एक दूसरा नर्व सेल आकर जुड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ करके चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से दूसरा नर्व से आकर जुड़ता है, यानी कि इसका सिनेप्टिक टर्मिनल और इसका डेंड्राइट दोनों आपस में आकर जुड़ता है, ऐसा से चेन लाइक फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी का। ये सिंपल सेल की तरह स्ट्रक्चर है, इसमें दे हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। The cytoplasm present in nerve cell is called neuroplasm. Neuroplasm contains granules like structure. That granules like structure is called Nissen's granules. Nissen's granules. Actually, it is an endoplasmic reticulum with ribosome and they takes part in protein synthesis. Some fiber like structure is present in this cytoplasm. This fiber like structure called neurofibrils. Neurofibrils. So this is the structure of nerve cell. Now, types of nerve cell. There are three types of nerve cell. Or there are three types of neuron. The first is sensory neuron. Second is association neuron. Third one is motor neuron. These classification based on the function of nerve cell or function of neuron. This classification based on function of nerve cell. Sensory neurons receive nerve impulse from
different organ from our environment, from the surroundings, so that it is generally present in our sense organ. So the location of nerve cell, sensory nerve cell, is sense organ, and its function is receive nerve impulse. Its function is to receive nerve impulse. Second is association neurons. Association neuron. Second is association neuron. Its association neuron is present between sensory neuron and motor neuron. Yani it links sensory neuron to motor neuron. दोनों के बीच में होता है. और इसका काम होता है, एक काम जो है वो प्रोसेसिंग का करता है. Sometimes act as a processing, यानी लिंक करने का काम करता है. Now third one is motor neurons. Motor neurons is present in brain and spinal cord, and its function, it conduct the command, it conduct the impulse from brain to effector organ. It conduct the impulse from brain or spinal cord to effector organ. So इसका function है, और ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके आधार पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. सो आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीस टाइप्स ऑफ सेल. सो दिस इज द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.